खुशी अभी 5.5 months की हो गई है। अभी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है और फीवर हो गया है उससे, कोल्ड एंड कफ हो गया है, और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, कभी ठंड लगती कभी गर्मी लगती। तो ऐसे में ये जो स्लीप सूट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है बेबी को सुलाने में। बहुत सुकून से सो जाती है बेबी। पहले जैसे हम स्वेटल कर देते ना बेबी को, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है ये। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये पिलो जिसपे कि चीकू लेटी है और सो रही है। पिलो को हमने रिक्लाइन करके रखा है, जब बेबी को कोल्ड एंड कफ हो जाता है, नोज स्टफी हो जाती है, नाक भर जाती है, तो सो नहीं पाते, बहुत बेचैनी होती है बच्चों को सोने में, स्पेशली रात को और अर्ली मॉर्निंग में। तो इस तरीके से अगर आप पिलो पे रिक्लाइन करके, तिरछा करके पिलो को, फिर उस पर बच्चे को सुलाएंगे, बहुत सुकून से बच्चे सोते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, ब्रीदिंग इशू नहीं होता है। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट किया था कि बच्चे भी बीमार चल रहे हैं, उसकी वजह से मैं घर के भी काम नहीं कर पा रही हूँ और चैनल का काम तो बहुत दूर की बात है, और एक साथ दोनों बच्चे बीमार और मेरी भी तबीयत कुछ खास नहीं लग रही है। ऐसे में घर क्या, किचन क्या, सब कुछ मैसी हो रखा है, और लिटरली जो घर के काम के साथ हम खाना पीना बनाते हैं वो सब कुछ इस समय सबकी 10 बजी हुई है। मतलब मैं अकेली सब कुछ मैनेज करने वाली, और मेरे साथ साथ अभी हस्बैंड भी सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो भी बहुत ऑक्यूपाइड हैं, बेबी के लिए ये करना वो करना, हर दूसरे टाइम मेडिसिन लाना, और बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है। इन शॉर्ट बहुत चैलेंजिंग हो गई है लाइफ। जब भी घर में किसी एक को कोल्ड कफ या फीवर होता है, वायरल होता है, तो अगर कोई और बच्चा घर में है तो डेफिनेटली पास ऑन होती है ये चीज़ें, तो वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी लगता था है ना माँ को। एनीवेज, ये जो कैप आप देख रहे हो, ये कैप है अनिका की, जो भी चीकू पहन रही है। कैप की डिटेल्स मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर करी ही थी कि हम कहाँ से परचेज करते हैं और कहाँ से लेते हैं। मोस्टली कैप दीदी की है जो छोटी बहन पहन रही है। बच्चों को संभाल संभालते बैक एक बहुत हो जाता है, तो ऐसे में एब्डोमिनल बेल्ट जो है ना, ये काम आती है काफ़ी। हे गाइस, सो इट्स बीन फ्यू डेज, बच्चे बीमार चल रहे हैं और अभी हम इस रूम में आकर के बैठ गए हैं, और मैं भी नहीं नहाई आज। आज मैंने मालिश करवाई मेरी, क्योंकि कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पहले जुकाम हुई, थोड़ी सी छींक आना शुरू हुई, फिर उसके बाद थोड़ा सा बॉडी एक शुरू हुआ, देन उसके बाद में बहुत खांसी आने लग गई रात तक, तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि पूरा जॉइंट्स में पेन होने लग गया। पेन तो था ही, वैसे ही बच्चों को संभालो तो हो ही जाता है पेन, और उसके बाद खुद भी बहुत ज़्यादा हो गई, तकलीफ बढ़ गई। और आज सुबह तो ऐसा हाल था कि भाई उठा भी नहीं जा रहा था, तो कल रात से कुछ कुछ जो भी मेडिसिन घर में अवेलेबल थी, होम्योपैथी और ये वो करके, क्योंकि मैं मेडिसिन ले नहीं सकती हूँ कोई सीरियस मेडिसिन, बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है सो इट विल ट्रांसफ़र टू हर, और होम रेमेडीज़ चल रही हैं तो वो कर रही हूँ, हल्दी वाला दूध, अदरक वगैरह ये सब कुछ ले रही हूँ, काली मिर्च वगैरह ले रही हूँ, लौंग से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो अभी तक अच्छा लग रहा है, और मसाज भी करवा ली, तो जो बॉडी का जो पेन था एकदम से मर जाने वाला पेन था, ये सब ये पूरा कॉलर बोन तक पेन हो रहा था, तो अभी वो काफ़ी बेटर लग रहा है। सो हाँ, नन्नू आइए, नन्नू देखो, नन्नू ने आज बहुत बीमार था मेरा बच्चा, और आज मेरा बेबी थोड़ा सा एक्टिव है, और उसने बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनाई है, देखो शोमी, और बटरफ्लाई भी बनाई है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखी ये, देखो उसने बहुत पहले फ्लावर दिखाओ, फ्लावर दिखाओ, फ्लावर दिखाओ, ये जो फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लावर जो पीछे बना है, मतलब मैंने पहली बार उसको ऐसा वाला फ्लावर बनाते हुए देखा, बनाते तो बहुत खुश है पर ये पहला बार देखा, खुद से भी कलर भी किया उसने, पेन से बनाया है, पेंसिल से नहीं बनाया है, और मुझे पेंसिल नहीं मिल रही थी, पेंसिल नहीं मिल रही थी, चल झूठा, इतनी सारी पेंसिल नहीं मिल रही थी, ये कुछ भी पेन चाहिए बस आजकल इनको, अभी छोटी का भी बताती हूँ कि क्या क्या है। अब बटरफ्लाई तो दिखाओ, तो ये है बटरफ्लाई, और पहली बार बनाया है आज नन्नू ने, पहली बार बटरफ्लाई बनाया, बताओ कैसा बनाया, कैसी पेंटिंग बनाई है हमारी बेबी ने, आपकी प्यारी अनिका ने कैसी बनाई है पेंटिंग, इसमें बटरफ्लाई भी है और इधर फ्लावर भी है, सन भी है, छोटे छोटे बटरफ्लाईज हैं, क्लाउड है, क्लाउड को उसने ब्लू कलर कर दिया है,
और नीचे लॉन्ग ग्रास बनाई है, ये है ना, अच्छा है ना। गलती से क्लाउड ब्लू हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिगनिंग है। मैं और पिक्चर्स बनाऊंगी। और पिक्चर्स बनाओगे? थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है। अभी हमने एप्पल खाया है थोड़ा सा। मुझे इस पेज को फोल्ड करने की जरूरत है। ओके, मैं फोल्ड करती हूँ, तो मैं फोल्ड करके आपसे बात करती हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेन कितना हो रहा था, लेकिन जो मसाज मैंने करवाई, जो मेरी आंटी थी ना पोस्टनेटल मसाज के लिए जो आती थी, अभी वो चीकू के लिए आ रही थी। मैंने मेरा तो बंद कर दिया इस मंथ से कि अब नहीं करूँगी, 5 months हो गया एंड दैट्स इट। तो 2 December को मेरा 5 months हो गए मसाज कराते हुए। बहुत आराम मिला, मतलब मैं ना चल फिर भी नहीं पाती अगर मेरा पोस्टनेटल मसाज नहीं हो रहा होता तो, क्योंकि घर के काम, अकेले 2 बच्चों को संभालना कोई भी सुपर वूमन नहीं होता भाई, मैं तो नहीं हूँ। और हाँ, बेबी चिकू भी अभी आई है, सो के उठ चुकी हैं, तो उसकी भी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत फीवर था 102 और ऐसा था बहुत। अनिका का भी 102 गया था और मुझे भी फीवरिश लग रहा था, बट मैंने चेक नहीं किया। और मैंने आपको बताया कि कई चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इट्स बीन 3 to 4 days, आज फोर डे है। चीकू को फीवर आते आज 3rd day है, अनिका को 4th day हो गया है। और अभी क्या था कि अनिका ना मेडिसिन नहीं ले रही थी, बहुत बुरी हालत थी, बिल्कुल नहीं ले रही थी, बहुत रोए जा रही थी। किस तरीके से हमने डांट करके, चिल्ला के, प्यार से सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं ले रही थी। फाइनली पकड़ करके थोड़ा थोड़ा देना पड़ा, बिल्कुल नहीं लेती। आप लोग बताओ कि आपके बच्चे भी नहीं लेते क्या मेडिसिन, और नहीं लेते तो आप लोग क्या करते हो? तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मेरी बच्ची भी अब मेडिसिन नहीं ले रही, और क्या पता फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट हो। तो मैं डेफिनेटली आपके सजेशन को फॉलो करूँगी। तो फिर किस तरीके से उसको बहला फुसला करके हमने मेडिसिन दी, तो रोते गाते उसने ली है, मन से नहीं ली, लेकिन जब से मेडिसिन ली है तब से इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर, और फीवर कम हुआ था, लेकिन अभी वापस से आ गया। चिकू का भी फीवर कल कम हो गया, तो दोनों अच्छे बच्चे थे मेरे, बहुत अच्छे हो गए थे। चिकू तो कल अच्छे से सो भी गई रात को, लेकिन अभी वापस से उसको फीवर आ गया है। बट शी इज़ एक्टिव है वो। और सैटरडे नाइट की बात है कि पूरी रात वो जागी, सो नहीं पा रही थी, तो उसे कफ था, कोल्ड था, कंजेशन हो रही थी यहाँ पर। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को कल दिखाया तो उन्होंने यही बोला कि उसको चेस्ट का इन्फेक्शन नहीं है, चेस्ट में कंजेशन नहीं है। बच्चों का क्या होता है, जनरली छींक आना शुरू होती है तो नाक में जो कफ होता है यहाँ पर पूरा म्यूकस भर जाता है, और उसकी वजह से चेस्ट में भर भर आवाज आती है, क्योंकि वो बोलते भी वैसे ही हैं, सांस भी वैसे ही लेते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा घर 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 आवाज आती है। तो थोड़ा बहुत अगर स्टीम दे दिया उनको तो हो जाता है, तो उसके लिए हमने ये परचेज किया था स्टीमर, जो मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट डिवाइस है, सबके पास होना चाहिए, चाहे गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, आपके पास में ये डिवाइस जरूर होनी चाहिए। हमने नेबुलाइजर भी परचेज किया था, और अभी अनिका को देना भी है नेबुलाइजर, तो वो बेड के अंदर रखा हुआ, उसको निकालेंगे। मेडिसिन लेकर के आए हैं, सेलाइन ड्रॉप्स लेकर के आए हैं, और बस। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताने वाली थी। अच्छा अनिका, ये पहले अनिका से बात करो, मैं कितनी गीत लग रही हूँ। ये देखो अनिका ने फिर क्या बनाया, आइसक्रीम बनाई है क्या? व्हाट इज दिस, क्या है, आइसक्रीम है क्या? ओह, ए 1 2 3 4 अप एंड और 1 2 डाउन साइड की भी बना दी। वेरी नाइस, कैसा है बताओ? अनिका को आजकल ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज भूल के बनाना हो। चलो भाई, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, बंद करती हूँ, और फिर आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूंगी कि क्या क्या चीजें और थी, या फिर कुछ नया अपडेट जो भी रहा वो मैं आपको आने वाले व्लॉग से बताऊंगी। ये है अनिका की ड्रॉइंग जो आपने देखी अभी, ये वाली ड्रॉइंग मैंने आपको दिखाई, एंड दिस वन, ये फ्लावर की ड्रॉइंग है। ये चिकू का पैर है, चिकू यहीं पर हमारे पास में सो रही है, तो हम उसके पास में ड्राइंग कर रहे हैं, ये है। देन इसके बाद में मैंने बनाया है ये आइसक्रीम स्टिक्स एंड कोन, ढेर सारी आइसक्रीम है, काफ़ी सारी आइसक्रीम है, मतलब पूरी पार्टी हो सकती है। और इसके बाद बनाया है हमारी प्यारी सी गुड़िया ने ये, देयर इज अ फॉरेस्ट आई गेस, उसमें एक फ्लावर है, ए ट्री है, 1 2 3 तीन ट्री है, बटरफ्लाई भी है, और रेन भी हो रही है, रेनबो भी है वहाँ बैकग्राउंड में आई गेस, सन भी है, मतलब इन शॉर्ट उसको जो भी चीज़ें पसंद है उसने सब बना दिया, ग्रास भी है, सो
सब बना दिया उसने, एक अलग सी डिफरेंट पेंटिंग बनाई है, क्लाउड की स्काई ब्लू कलर का है। लवली आपको सर्दी हो रही बेटा, अब आप रेस्ट करो। बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाई है आपने, बट अब आप रेस्ट करिए, ठीक है? ओके बेबी। नोज में स्टफिनेस होना यानी नाक भरी होना, और चेस्ट में कंजेशन होना यानी चेस्ट में भर भराहट की आवाज आना, और बहुत ज्यादा कफ फील होना कि बच्चा बिल्कुल सांस ही ना ले पाए, एकदम उसको सोने में तकलीफ हो रही हो, और बहुत ज्यादा चीखे चिल्लाए, दोनों में ही बेबी को तकलीफ होती है। लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट कंडीशन है। अगर नाक भरी हुई है तो ठीक करी जा सकती है होम रेमेडीज से, नॉर्मल मेडिसिन दे करके और स्टीम इनहेलेशन से। लेकिन अगर चेस्ट में भरभराहट है, काफी धड़धड़ आवाज आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ भर गया है चेस्ट में, नाक नहीं लेकिन खांसने के टाइम पर बहुत ऐसा लग रहा है, तो आपको बेबी को नेबुलाइजर देना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने पेडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। बेबी को सर्दी जुकाम कम से कम 4 से 5 दिन रहता ही है, और समय से इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। ये जो स्टीमर है, वेपराइजर है और फेशियल स्टीमर है, बहुत इजी टू यूज है, हैंडी है। यहाँ पीछे दिया हुआ स्टोरेज के लिए, यहाँ पर आपको पानी डालना होता है, कैप दी हुई है, कैप लगाना होता है, यहाँ हैंडल भी दिया हुआ है, आराम से आप इसे पकड़ करके कहीं भी रख सकते हैं। अब इस कैप में यहाँ पर आपको मिलती है कुशन, बहुत सारे कुशन मिल जाती है, उस कुशन में आप विक्स लगा करके इसे ऐसा लगा सकते हो एंड एज अ वेपराइजर यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इसे एज अ ह्यूमिडिफायर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, तो थोड़ी बहुत ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए एंड क्लीन करने के लिए ये जो स्टीमर है काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बहुत सारे स्टीमर आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन पर, बट ये वाला मुझे एकदम सही लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहा इसका रिस्पॉन्स। मैंने खुद भी स्टीम ली इससे, एकदम क्विक स्टीम आती, बहुत हार्श नहीं है, बहुत लो नहीं है, इस पर मोड्स नहीं है, आप मोड सेट नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल मोड पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मुझे बहुत आराम मिला, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं खुद भी स्टीम ले रही हूँ एंड दिस इज़ सो गुड। हाँ बेटा, माँ पिता भगवान होते हैं, हमारे लिए एक दिन बिना रोए पी लो तो तुमको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, रो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ना खुशी जम जाएगी, तभी कहाँ रोई थी, इतने अच्छे से पी लिया था आपने, कहाँ रोए थे? नानाजी देख रहे थे ना, नानाजी से बात करते करते पी लेते ना, सबसे बात करते करते पी रहे, देखो उधर सब देख रहे हैं, सबसे बात करते करते जैसे पेंटिंग दिखा रही थी। उस कमरे में चलिए, अरे नाटक जाप करना शुरू कर दो, आओ करने पी ली दवाई।
आज है डिनर में रोटी, एकदम गरम गरम घी लगाई हुई मेथी की सब्जी एंड गर्मा गर्म राइस है जिसमें मैंने बहुत सारा घी डाला हुआ है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला हुआ है। सर्दी ज़ुकाम जब होता है बच्चों को, यानी थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं उनके लिए मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। गर्मा गर्म चावल में घी और नमक मिला करके खिलाओ तो अच्छा लगता है, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा करता है। गर्म गर्म रोटी सिकी हुई खिलाओ उनको। इन सभी का कॉम्बिनेशन बेबी की जो कफ होती है ना उसको रिलीज़ करने में बहुत मदद करता है। पियो ना, पियो तो अच्छा लग रहा है ना, फिर सबको पता चलेगा ना अनिका दवाई पीती है। पी लो, सारे बच्चे भी पियेंगे अपने से, है ना, सब बच्चे अपने से पियेंगे, आपको पता है। अच्छे से पियो, एक बार मुंह में डालो, पी लो। ये क्या हो रहा है? ये पीना। तो बच्चों को ठंड सर्दी जुकाम से बचाने के लिए मैं बना रही हूँ अजवाइन और लहसुन का सरसों तेल। सरसों तेल कोई भी आप ले सकते हो, ऑर्गेनिक होना चाहिए, अगर कच्चा सरसों का तेल मिल जाता तो बहुत अच्छा है। और इसमें आपको गर्म करके लहसुन की कलियाँ डाल देनी है। मैंने एक कटोरी ही गर्म किया है और दो लहसुन की कलियाँ डाली हैं और एक चम्मच इसमें डालना है अजवाइन। तो अजवाइन को आपको पकाने की ज़रूरत नहीं, तेल इतना गर्म होता है ना कि उसमें अजवाइन अपने आप सिक जाती है। इसके बाद ठंडा होने पे इसे स्ट्रेन कर लो। अब ये जो तेल आया है इसे आप किसी जार में भर के रख लो और कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऐसे जार बॉटल में भर के रखी है, पंप बॉटल है ग्लास वाली, और ये काफ़ी हैंडी हो जाती है यूज़ करने के लिए। और थोड़ा सा ऑयल आपको डेली बेबी को लगाना है। अब चाहो तो ठंड का टाइम है, बेबी को इससे मसाज भी कर सकते हो अगर बेबी को सूट होता है स्किन पर तो, अदरवाइज़ पैरों पर, हाथ पर और चेस्ट पे, बैक पे लगा सकते हो। आप चाहो तो सर पे भी लगा सकते हो। सरसों के तेल लगाने से किसी भी तरीके का हेयर फॉल नहीं होता है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हेयर फॉल होने लगता है, स्कैल्प ड्राई हो जाती, कुछ नहीं होता। सदियों से लोग सरसों का तेल ही यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि बेबी की स्किन सेंसिटिव होती है इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ये ऐसे किया, इतने बाल ऐसे ऐसे, ये बाल ये ऐसे हाथ में आते ही रहते हैं। मैंने बना दिया है कपड़े। Don't be like 1 year old, please.